स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 30 जनवरी और डेट पता ही नहीं चल रहा कैसे बीत रहा है। 30 तारीख हो गया और मम्मी ने सुबह सुबह मेरे को एकदम लिस्ट पकड़ा दिया। मैं जाते जल्दी से सामान लेके आता हूँ और फिर पापा ने मुझे बुलाया है नए वाले अपार्टमेंट में। तो बने रहे आज के ब्लॉग में और देखते रहे आज का पूरा ब्लॉग। ये फिर आ गया यार, अभी अच्छा भला सो रहा था। मैं इतना आगे आ गया तब भी समझ के आ गया, ये इतना पीछे पीछे। ओ भाई, ये सारा सामान ले लिया है मैंने। फ्रेंड, अरे डर रहा है वो, दो कुत्ता गली में बैठा हूँ। देखा वो इस गली में आए नहीं, पूरा रास्ता में पीछे गया मेरा। तब भी बता रहे तेरा पाले जी खाता डर रहा है वो। स्वेटर क्यों नहीं पहन रहा है? तो मैं पहुंच गया हूँ नए वाले अपार्टमेंट में और जल्दी से चलते हैं अपने घर। भाई यहाँ पे आ तो गया लेकिन फिर पापा को भी फ़ोन किया तो पापा बोले कि हम मार्केट में चले गए हैं। तो मैं अभी वहीं पे चलता हूँ, फिर पापा से मिलते हैं वहीं पे। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत है, लो सर्विस पे चले जाता है फ़ोन अचानक से। तो पापा को खाना पीना खिला दिया, अब चलते वापस घर। पापा बोल रहे कि तुम चले जाओ वापस घर, अब यहाँ पे तुम्हारा कोई काम। अब मिलता हूँ सभी से सीधा घर पे। सनी ने अभी कप सिरप पिया है, उसका रिएक्शन देखिए क्या है, खटा खटा। अभी टेस्ट अच्छा नहीं होगा, दवाई तो है लेकिन उसका जो दवाई जैसे टेस्ट आ जाता है ना। ओहो सो जा प्यारे सो जा, तेरा तबीयत खराब है मेरे को भी हो जाएगा। अभी 4 बज रहा है और दीदी दोबारा बोल रही जाने के लिए, जरूरी है दीदी जाना अभी? देख के वीडियो कॉल पे संतुष्टि नहीं मिली? बहुत नई नई चीजें हो गई घर में, मेरे को जाके एक बार देखना। नई नई चीज हो गई तो मेरे को भी ले जाना, मेरे को। तू कैसे है भाई, उल्टा सीधा यार, मुझे भी ले चलो प्लीज प्लीज प्लीज। पता नहीं अभी बहुत तबीयत खराब है ना, पूरा घूम घूम के कर लेता। इस शायरी टाइम ठीक है, सुना देख। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, बाबा शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, अगर चाय में पार्ले जी डूब गया तो पार्ले जी खाना छोड़ दूं। वाह 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 वाह, यस ऐसा लग। सुना? याद नहीं है। ओ वाह 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 वाह, कितना गहरे विचार है। याद नहीं हमारे घर में ना तबीयत को बोलते हैं तबीयत। मेरा तबीयत खराब हो गया। मेरा तबीयत खराब हो गया, ऐसे बोलना चाहिए, मेरा तबीयत खराब हो गया। जल्दी चल यार, लेट हो रहा है। ऐसे ठीक है? बढ़िया। डाकू लग रही है, डाकू लग रही है। चलेगा ना? हाँ। मास्क की जरूरत नहीं है ना? अरे मास्क ले ले यार। अब इसके ऊपर से क्या मास्क पहनेंगे तू? चलो चलो चलो। अरे मेरा मास्क तो दे दे मेरे को। तू ले ले, कहीं से ले लो भैया। तू जाएगा अभी ऐसा टीवी देखूंगा ना, टीवी पर क्या देखेगा? सिंचैन सिंचैन देखूंगा। छोटा भीम छोटा भीम और किरमारा फाइट। तो चलते हैं जल्दी से, निकलते हैं घर से। बाय बाय बाय। मैं कैसी लग रही है? गुंडी मवाली। तो हम पहुंच गए हैं, जल्दी से चलते हैं फ्लैट में। आज का मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली में, 4 बज रहे हैं लेकिन तब भी थोड़ा धूप धूप सा है और ठंड बिल्कुल नहीं है आज। तुम साइकिल पार्क किधर करते हो इधर? जहाँ पे मेरी गाड़ी का पार्किंग है। तुम पूरा ऐसे? नहीं नहीं नहीं, यहीं से ले जाता हूँ शॉर्टकट। तो निकल गए अभी नए वाले अपार्टमेंट से, अब चलते हैं वापस घर। मेरे को भी दे दियो थोड़ा सा। अच्छा है, बहुत हार्ड है भाई। बहुत पसंद है। आधा किलो लेना? एक लड्डू में मन भर जाता है। देखिए मैंने आपको बोला था व्लॉग में कि मैं कभी भी ऐसे कुछ बाहर का खाना खाऊंगा तो जब ऐसे होगा सीन तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने खाया कि नहीं खाया। तो अभी हमने 2 पाव भाजी लिया जो दोनों दीदी ने खाया, मैंने बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि मेरे को अपने पिंपल का बहुत फिक्र है। बिल्कुल मुझे तो फिक्र ही नहीं है ना पिंपल की। देखो मैंने अपने आप
पे कंट्रोल किया हुआ है, आप भी कंट्रोल करिए और रही पिंपल फ्री। इसने खाया था, एक इसका था एक मेरा था, और इसने बेसन का लड्डू भी खाया जिसमें देसी घी था, आधा मैंने खाया आधा इसने। कपड़े प्रेस कर लिया है और अभी थोड़ी देर में करते हैं अपना रिकॉर्डिंग शुरू। और मुझे भी सर्दी हो गया थोड़ा सा, ये दीदी की वजह से, दीदी का सर्दी मेरे अंदर आ गया, ट्रांसफर हो गया है। पहले तेरे को हुआ था फिर मेरे को हो गया, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। इसके लिए ये मिरर भी बन गया, कोई बात नहीं इसका देखते। प्यारे तेरे बोल ला। तो सब चीज की तैयारी करते करते अभी इस बज गए हैं 10:30 और मैंने यहाँ पे कैमरा लगा लिया है अपना, और यहाँ पे देखने लाइट वाइट अभी सब कुछ रेडी हो गया है। और सनी रेडी? रेडी एकदम रेडी। मिलते हैं आप सभी से रिकॉर्डिंग करने के बाद। मेरे दोनों भाई बिल्कुल भी आउट ऑफ बैलेंस है क्योंकि मेरा वाला जुकाम दोनों को पास हो गया है। ये ठीक हो गया, हमें दुखा है। सारा रिकॉर्डिंग का काम खत्म हो गया, खाना पीना खा के आराम से बैठे, अभी बज रहा है रात का 1:30 और कल वाले में तो सनी सो गया था, जोक का नहीं हो पाया था महासंग्राम। आज भी तो युद्ध हो ही जाए, आज दोनों एनर्जी में नहीं लग रहा, ढीला ढीला सर्दी पटा दी एकदम, ठीक हो गई मेरे को। बाप रे, आज मैं हंसूंगा ही नहीं, आज मैं नहीं हंसूंगा। आज आज नहीं होना चाहिए कंपटीशन, तो कुछ भी करेगा ये हंसेगा ही नहीं आज। क्या करे, कंपटीशन कल रखे क्या? कंपटीशन को रद्द कर दे, कल रखते हैं कंपटीशन। अभी दवाई चल रही है इसकी, सो जाने दे बच्चे को। सो आप सभी के लिए एक बहुत ही अहम न्यूज, जो हमारा कंपटीशन चल रहा था उसे रद्द किया जाता है क्योंकि हमारे नाक में बारिश हो रही है। नाक में बारिश हो रही है, मैदान गीला है, हम नहीं खेल सकते उस पे। तो आज का मुकाबला भी रद्द हुआ। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब ठीक रहा तो तब करेंगे महा मुकाबला। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तीनों कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और मिलता हूँ सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।